नमस्ते, दीप्ति क्रिएशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की रेसिपी है कलरफुल रेनबो पैनकेक। पैन में हम एक केक बनाएंगे, ना ही ओवन का इस्तेमाल करेंगे, ना ही कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करेंगे, ना ही कर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ये सारी चीज़ें बिना इस्तेमाल किए हुए हम कलरफुल ब्यूटीफुल से दिखने वाला रेनबो केक आज हम बनाएंगे। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है, इस तरह का केक आज हम बनाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सामग्री की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है एग वाइट और यह है एग योक, इसे मैंने अलग अलग करके रख लिया है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए बीट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, एक दो मिनट बीट कर लीजिए बस। अब हम इसमें डालेंगे चीनी, अगर आप पाउडर शुगर डालना चाहते हैं तो भी डालिए। इसे पिघलने में थोड़ा सा वक्त लगता है, उतनी देर तक आप अच्छे से बीट कर लीजिए। देखिए इस तरह से कंसिस्टेंसी आना चाहिए। उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे तेल और यह है दूध। दूध हम ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा डाल लेंगे। यहाँ पर मैंने 1/4 कप डाल लिया है और अब हम इसे अच्छे से बीट कर लेंगे बीटर की सहायता से। देखिए थोड़ी देर बीट करने के बाद हम अभी एक योक में वेनिला एसेंस डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए इस तरह से अच्छी तरह मिक्स होना चाहिए, 2-3 मिनट आप इसे हिला लीजिए। अब हम इसे इसमें मिला लेंगे। देखिए मिला लेने के बाद हमें फिर से बीटर की सहायता से थोड़ी देर हमें बीट कर लेना है। देखिए बीट करने के बाद हम इसमें मिलाएंगे मैदा और बेकिंग पाउडर हम इसमें मिला लेंगे। देखिए अब हम इसे अच्छे से छान लेंगे, छानने से केक हमारा फ्लफी बनकर आता है। देखिए आप चाहे तो 2 या 3 स्टेप में भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक ही स्टेप में डाला है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे कट एंड फोल्ड के मेथड में। देखिए इस तरह से आप मिक्स कर लीजिए। मैं यहाँ पर और थोड़ा दूध डाल रही हूँ, ज़रूरत के हिसाब से आप दूध डालते जाइए। देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 1/2 कप दूध डाला है, फिर से मैं 2 चम्मच यहाँ पर डाल रही हूँ। कंसिस्टेंसी एडजस्ट करते हुए हमें यहाँ पर दूध डालना पड़ेगा। देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा दूध डालकर आप एडजस्ट कर लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए रिबन कंसिस्टेंसी आना चाहिए उस तरह से। अभी केक बैटर रेडी है। हम यह बैटर को 6 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे। देखिए एक एक बाउल में 2-2 चम्मच मैंने डाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे फूड कलर, येलो वाला डाला था ये सैफरन कलर, और ये रेड कलर, ये है ग्रीन कलर, और ये वायलेट कलर, और लास्ट वाला ब्लू कलर। इस तरह से मैंने डाल लिया है कलर्स को। देखिए अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम केक बनाने के प्रोसेस की तरफ हम चलेंगे। देखिए इस तरह से मिक्स कर साइड में रख लीजिए। अब हम पैनकेक बनाते हैं। यहाँ पर मैंने पैन लिया है, इसे मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है और ये मैंने व्हाइट पेपर डाला है। आप चाहे तो बटर पेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें मैंने बैटर इसमें डाल दिया है, थोड़ा इसे इक्वल बना लिया है। स्पैचुला की सहायता से वगैरह मत करिए, अच्छे से नहीं बनता इवनली। लिड मैंने क्लोज कर दिया है और गैस का फ्लेम मैंने ऑन करके लो फ्लेम पे 4 to 5 मिनट्स इसे पका लिया है। देखिए नीटली स्पून निकल कर आया है, ये हो गया है। हम इसे निकाल कर बाजू में रख देंगे। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। अब हम कढ़ाई को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, एवरी टाइम क्लीन करना ज़रूरी है। क्लीन करने के बाद देखिए गैस का फ्लेम तो ऑफ ही है, थोड़ा कढ़ाई को ठंडा होने देते हैं। उसके बाद हम फिर से ऑयल से ग्रीस करके उसमें वाइट पेपर डाल के उसमें हम बैटर को पोर करेंगे और ऊपर से लीड को ढक कर उसके बाद हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। और गैस का फ्लेम हमेशा लो ही रखिए। पहला पैनकेक बनने में 4 to 5 मिनट्स लगता है, लेकिन दूसरा बनने में 3 to 4 मिनट्स ही लगता है। इसलिए आप चेक करते रहिए, वरना नीचे जल जाएगा। देखिए ये हो गया है सेकंड वाला भी। इसी तरह से मैंने हर एक रंग का बैटर डालकर
पैनकेक बना लिया है और निकाल निकाल कर बाजू में रख लिया है। हर बार पैन को क्लीन करना जरूरी है, हर बार पैन को थोड़ा ठंडा करना भी जरूरी है, हर बार नया बटर पेपर आप इस्तेमाल करिए। देखिए इस तरह से सारे मैंने यहाँ पर बना लिया है, बनाकर कंप्लीटली उन्हें ठंडा कर लिया है। देखिए इस तरह से अब हम व्हिप क्रीम बनाते हैं। यहाँ पर मैंने व्हिप क्रीम लिया है, अब हम इसे बीटर की सहायता से अच्छी तरह से व्हिप कर लेंगे। देखिए इस तरह से। दोस्तों अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगती है, हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बेल आइकॉन प्रेस करिए। जो भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ आपको मिलता है और आपका सपोर्ट हमें मिलता है। स्टिफ पीक आने तक मैंने क्रीम को व्हिप कर लिया और उसे मैंने फ्रिज में रख दिया। अब हम पैनकेक्स को इवनली कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से इवनली कट करने से हम जब क्रीम अप्लाई करते हैं तब अच्छी तरह से बैठ जाता है, इसलिए आप एजेस को कट कर लीजिए। और एजेस का भी इस्तेमाल हम बाद में करेंगे, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से कट कर लीजिए। देखिए ऐसा बन गया है हमारा पैनकेक। देखिए इसी तरह से मैंने सारे पैनकेक्स को एक के बाद एक रख कर मैंने यहाँ पर कट कर लिया है और एजेस को मैंने साइड में रख दिया है। देखिए इस तरह से इक्वली हो जाते हैं और क्रीम लगाने में आसान हो जाता है, इसलिए देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिया है। यह है शुगर सिरप। 4 चम्मच शुगर पाउडर में 1/2 कप पानी डालकर मैंने शुगर सिरप बना लिया है। नीचे थोड़ा क्रीम लगाया है, उसके ऊपर मैंने हमारा एक केक रखा है और फोर्क के सहायता से मैंने उसे थोड़ा छेद बना लिया है। आप चाहे तो नाइफ की सहायता से भी बना सकते हैं ताकि शुगर सिरप अंदर तक जा सके। आपको जितना हो सके उतना शुगर सिरप आप डालिए, कम मत लगाइए, ज़्यादा डालिए। ज़्यादा डालने से और भी स्पंजी होता है और केक और भी अच्छा खासा स्वाद लगता है। अब हम इसके ऊपर व्हिप क्रीम लगा रहे हैं। देखें दूसरा स्टेप आप रख लीजिए, इस तरह से छेद कर लीजिए और शुगर सिरप का इस्तेमाल करिए। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शुगर सिरप आप डालिए और क्रीम अप्लाई करिए। इसी तरह से 6 लेयरों को आप एक के ऊपर एक रखकर अच्छे से क्रीम लगा लीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने व्हिप जार के हिसाब से मैंने यहाँ पर हर कलर को सेट किया है, नीचे से ऊपर तक। देखिए इस तरह से आप सेट कर लीजिए और शुगर सिरप ज़्यादा डालकर आप क्रीम अप्लाई कर लीजिए इवनली। देखिए इस तरह से जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है उस तरह से। देखिए यहाँ पर मैंने सारे लेयर्स को रख लिया है। अब हम साइड में भी थोड़ा क्रीम लगा लेंगे। आप चाहे तो स्पैचुला से भी लगा सकते हैं। इस तरह से थोड़ा साइड में लगाकर आप इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लीजिए इस तरह से। देखिए जैसे मैंने दिखाया है आप इससे भी अच्छा कर सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने अप्लाई कर लिया है। अप्लाई कर लेने के बाद हम इसे 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि थोड़ा सेट हो जाए। और ये है हमारे पैनकेक के एजेस। इसे हाथ में डालकर इस तरह मसलने से एक पाउडर रेडी हो जाएगा। इस तरह से क्रश कर लीजिए। देखिए ये हमें केक सजाने में मदद होगा और बहुत ही अच्छा लगता है और ज़्यादा बाकी के सामग्री ऐड करना नहीं पड़ता। देखिए इस तरह से मैंने सारे कलर्स के एजेस को इस तरह से मसल कर पाउडर बनाकर साइड में रख दिया है और फ्रिज में का केक मैंने यहाँ पर निकाल कर और थोड़ा यहाँ पर मैंने उसे प्लेन बनाया है, जितना हो सकता है उतना। देखिए इस तरह से आप बना लीजिए। आप चाहे तो स्पैचुला से बना सकते हैं या फिर आप स्केल से भी बना सकते हैं। आपको किस तरह से आसानी होगी उस तरह से आप इसे अच्छे से अप्लाई कर लीजिए, इस तरह से प्लेन कर लीजिए। देखिए ये हो गया है मेरा, ऑलमोस्ट मैंने प्लेन कर लिया है। अब हम इसे थोड़ा डेकोरेट करेंगे। ये है मेरे पास कुछ स्प्रिंकल्स थे, आप चाहे तो चॉकलेट स्प्रिंकल्स भी लगा सकते हैं। आपके पास जो अवेलेबल है आप उसे लगाइए, मेरे पास ये अवेलेबल थे मैंने ये लगाया है। जो हमने एजेस को क्रश कर रखा था वो कलर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। देखिए इस तरह से एक के बाद एक मैं डाल रही हूँ, कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने इस तरह के उसका इस्तेमाल किया है और इस तरह से मैंने डेकोरेट किया है। आप चाहे तो इसी को भी सर्कल से जैसे डाल सकते हैं और दूसरा भी आप डाल कर अपनी मर्जी के हिसाब से उसे और भी खूबसूरत केक बना सकते हैं। ऊपर मैंने थोड़ा सा सिल्वर बॉल स्प्रिंकल किया है इस तरह से। देखिए केक बनकर रेडी हो गया है।
अगर आप इस तरह से केक बनाकर रख देते हैं, अगर घर में किसी का बर्थडे हो तो वो तो बहुत ही खुश हो जाएंगे। देखिए अब बारी है केक को कट करने की। मैं आपको यहाँ पर केक को कट कर दिखाती हूँ। देखिए कितने अच्छे से लेयर आ गए हैं पूरे के पूरे, व्हाइट के साथ उसका कॉम्बिनेशन कितना अच्छा बन गया है। देखिए हमारा रेनबो केक रेडी है। आप भी बनाइए और आपके फैमिली और फ्रेंड्स को हैप्पी बनाइए और खाइए, इसका मज़ा लीजिए। देखिए दोस्तों, आशा है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करिए दोस्तों, और शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। देखिए कितना अच्छा खूबसूरत लग रहा है केक, कितना अच्छा लेयर्स बनकर आ गए हैं इसमें। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। आप बनाकर रखेंगे तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, खासकर अपने बच्चों के लिए आप ज़रूर बनाइए दोस्तों। देखिए मैंने यहाँ पर कट किया है, कट कर इसका स्वाद भी लिया है, बहुत अच्छा बना था। आप अगर मीठा ज़्यादा खाना चाहते हैं तो थोड़ा शुगर सिरप आप ज़्यादा डालिए। बाकी का सामग्री मैंने जैसे बताया है, मैंने लिस्ट दिया है, उसी के अनुसार आप बनाइए, बहुत अच्छा बनेगा, फेल नहीं होगा, बहुत अच्छे से बनकर आया है। ओवन की ज़रूरत नहीं है, ओवन नहीं है ये भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से आपके घर के पैन में आप बना सकते हैं। बनाइए दोस्तों, खाइए दोस्तों, अच्छे से आपके बच्चों के बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करिए दोस्तों। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए दोस्तों। देखिए कितना अच्छा हमारा केक बनकर रेडी हो गया है। देखिए आप भी ज़रूर बनाइए, बनाइए और खाइए। फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए अनुमति। धन्यवाद।